वेलकम टू फ्लेवर पोस्टर। मैं हूँ गीता। आज हम एक कपकेक की रेसिपी बनाने वाले हैं, जो है ओरियो कपकेक्स। ओरियो बिस्किट्स वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद है, तो कपकेक्स तो ज़रूर पसंद आएंगे ही। आप उसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं, और इजी भी है बहुत बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बनाना। इसके लिए पहले हमारा जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स है उसको हम छान लेंगे। तो इसके लिए मैंने जो हाफ कप ये है मैदा, हाफ लेवल नहीं लिया है मैंने, पूरा भर के लिया है। मेजरमेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो अराउंड 80 ग्राम जितना है। इसको हम छान लेंगे। 1/4 कप जितना मैंने पाउडर शुगर लिया है, 1/4 कप है 35 ग्राम जितना। 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। इसको हम पहले छान लेंगे। 1/2 कप जितना मैंने मिल्क पाउडर लिया है, मेजरमेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो अराउंड 60-65 ग्राम जितना होता है। इसको अब सब पहले छान लेंगे। बेकिंग में छानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा हो गया, इसे हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। इसे हम साइड पर रख देंगे। अब जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम लेंगे। तो इसमें मैं पहले ले रही हूँ बटर। बटर अराउंड 1/4 कप जितना ही है, मेजरमेंट्स के हिसाब से देखेंगे 50 ग्राम जितना है। इसको थोड़ा सा हम बीट कर लेंगे पहले। बटर हमको रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, बहुत ठंडा नहीं लेना है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसमें हम फिर बाकी के जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप जितना दूध। मेजरमेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो अराउंड 80 ml है। इसको मिक्स कर देंगे। इसी हम डालेंगे चॉकलेट मेल्टेड, 30 ग्राम जितना है। मेजरमेंट्स के हिसाब से देखेंगे 1 टेबल स्पून के हिसाब से तो अराउंड 2 टेबल स्पून जितना होता है। ये मैं दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसके पास वेइंग स्केल नहीं हो तो मुश्किल होती है। अराउंड 2 टेबल स्पून जितना मेल्टेड चॉकलेट है। इसमें मैंने स्वीट वाला मिल्क पाउडर लिया था, इससे मैंने शुगर कम डाला है। अगर आप फीका वाला लेते हैं तो 1 से 2 टेबल स्पून जितना ज़्यादा शुगर डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 1/2 टीस्पून जितना वनीला एसेंस डाल रही हूँ। ये अब हम इसमें जो ड्राई है उसमें हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी ज़्यादा बीट नहीं करना है, सिर्फ मिक्स ही करना है, कट एंड फोल्ड मेथड से राउंड जाके और बीच में कट करना है। ये बैटर थोड़ा थिक है तो इसमें हम पानी डालेंगे। ये जो चॉकलेट वाला बोल था उसमें मैंने इसमें अराउंड 2 टेबल स्पून जितना पानी ले लिया, ये इसमें ऐड कर लेंगे। एक टेबल स्पून और ऐड करेंगे, अराउंड 3 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें यूज़ किया है पानी। आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, जितना मैदे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरत होगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून और डाला तो टोटल हमने 4 टेबल स्पून जितना पानी यूज़ किया है। ये हमारा बैटर रेडी है, देखिए अभी सही है। इसको ज़्यादा बीट नहीं करना है। इसके लिए मैंने ये लाइनर्स ले लिए हैं मोटे वाले। आपके पास ट्रे हो तो उसके लिए भी वैसे भी आप बना सकते हैं, पर ये मैं सीधा डायरेक्ट ट्रे में डालूंगी इसलिए मैं थोड़े मोटे वाले लिए हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए ओरियो बिस्किट्स मैंने लिए हैं। ओरियो बिस्किट्स को आपको खोलना है और ये इसको ऐसे आपको नीचे डाल देना है, ठीक है। और ये ऊपर वाला हिस्सा हम ऊपर से डालेंगे, ये सब में जो है वो नीचे हम ऐसे डाल देंगे और हम इसको फिल कर देंगे ऊपर से। हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। बस हमें ज़्यादा नहीं फिल करना है, 3/4 ही फिल करना है। उसको थोड़ा सा ऐसा टैप कर देंगे और ये जो हमारा बाकी का जो बिस्किट था उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम ऐसे डाल देंगे। ये आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो उसको
स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ठीक है, अभी हम दूसरा भी फिल कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा एक टैप कर देंगे और ऊपर से टुकड़े डाल देंगे उसके। इसी तरह बाकी के भी हम फिल कर लेते हैं। ये हमारे 8 कपकेक्स बने हैं इसमें से। अब इसको हमें 15 से 20 मिनट तक 180 डिग्री पे बेक करना है। ओवन मैंने प्रीहीट करने पहले ही रख दिया था, उसे रख देते हैं बेक करने के लिए। ये हमारे कपकेक्स ठंडे हो गए हैं। आप उनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या तो इसको निकाल के निकाल लीजिए, ये देखिए ये ऐसे नीचे दिखता है, ऐसे रख लीजिए और इसको ऊपर चॉकलेट मेल्ट करके इसको ड्रिजल कर सकते हैं। हम रखेंगे ऐसे, तो ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।